वहीं डीटीसी के कर्मचारी आज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनसे कोई बात नहीं की और ना ही उनकी मांगों को सुना। डीटीसी कर्मचारी कह रहे हैं कि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। डीटीसी के कर्मचारी आज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, और जो तमाम कर्मचारी उनका कहना है कि मिलने के लिए बुलाया था लेकिन बात उनकी ज्यादा सुनी नहीं गई है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहां पर मौजूद है, देख सकते हैं। डीटीसी के जो कर्मचारी पिछले लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, और तमाम जो कर्मचारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मीटिंग के दौरान रहा है ये बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वाल्मीकि झा है। पूरी जी मीटिंग थी तमाम डीटीसी कर्मचारियों की आज मुख्यमंत्री निवास पर, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, क्योंकि आज जॉइंट काउंसिल की मीटिंग थी उसमें सबसे ज्यादा संख्या में डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जॉइंट काउंसिल की तरफ से आए, जिसमें डीटीसी के कर्मचारियों की मांगों को लेकर के किलोमीटर स्कीम खत्म करना, मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को परमानेंट करना और उसी पॉलिसी के तहत बेसिक प्लस डीए का ऑर्डर करवाना, और दिल्ली सरकार के कुछ ऑर्डर हुए हैं जिसमें 8 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को टर्मिनेशन करना था। उन बातों पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि मेरे निवास पर अभी 1 घंटे आपकी मीटिंग चलेगी और आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वहां आए, और डीटीसी की पर्सनल मीटिंग, क्योंकि यहां जॉइंट काउंसिल की मीटिंग थी इसमें पर्सनली डीटीसी के बारे में बात नहीं की जा सकती थी, इसलिए डीटीसी की पर्सनल मीटिंग राजेंद्र पाल गौतम जी के घर पर अभी हम जा रहे हैं। दोबारा मीटिंग के लिए आप लोग वहां जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। तो अब जो मांगे हैं आपकी, आपको लगता है कि मांगों को लेकर कुछ बातचीत हो रही है आपकी? अभी कुछ बातचीत नहीं हुई, आगे देखो क्या होता है, आगे बात करेंगे, आगे वहां जाएंगे, अभी जा रहे हैं सारे वहीं पे जाएंगे, बैठ के सारे बात करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। जो बातें कही थी वो अभी तक कुछ नहीं सुनी डीटीसी के बारे में, आगे देखते, सुनते नहीं सुनते क्या होता, फिर दोबारा हम धरना देंगे इस बारे में, जो हमारी बातें नहीं मानी जाएगी हम यही सीएम ऑफिस में धरना देंगे, सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यहीं पे है, इसी बात का हम धरना देंगे, बैठेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम यहीं तक बैठ रहेंगे। बताइए अपना नाम। मैं डीटीसी आम कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी राकेश मलिक। हमें राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री जी ने बुलवाया था, ज्वाइंट काउंसिल का सेक्रेटरी भी हूं मैं, उन्होंने कहा कि आज आप एकत्रित होकर आओ, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जो 3 समस्याएं, समान काम समान वेतन, आपका ड्यूटी पर आकर वापिस जाना उस मुद्दे पर, और आपके तीनों जो विषय संबंधित है उस पर किलोमीटर स्कीम खत्म करने पे हमें बुलाया गया। आज उस विषय पर मैं, जबकि उस काउंसिल से वो सीएम के बराबर बैठा था, लेकिन मैं उठकर अपने चेयरमैन से कहने के लिए भी गया लेकिन हमारे डीटीसी के मुद्दे को उस पर नहीं उठाया गया। इससे डीटीसी का सारा कर्मचारी रुष्ट है और राजेंद्र गौतम की कोठी पर अभी ये सारे लोग धरना देंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का इशू लिया है। कब से देंगे? आज तो अभी इसी समय जा रहे हैं वहां पर सभी साथी, हम वहां जाकर अपनी बात कहेंगे। जिस विषय के लिए डीटीसी कर्मचारियों को बुलाया गया था उस विषय पर कोई भी बात नहीं कही, बस इसी के लिए मैं सबसे कहता हूं सभी लोग राजेंद्र गौतम की कोठी में पहुंचो। बात करने के लिए उनको बुलाया था लेकिन बात नहीं की गई है, और अब इनका कहना है कि राजेंद्र पाल गौतम जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनकी कोठी पर जा रहे हैं धरना धरने के लिए, क्योंकि जो बात करने के बुलाया गया था वो नहीं की गई है और नाराज है तमाम कर्मचारी। तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर जो लंबे अरसे से अपनी बातचीत रखना करना चाहते हैं सरकार से, लेकिन कोई बात जो है नहीं की जा रही है। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ येंद्र चौहान, टोटल न्यूज़ दिल्ली।